हाय फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम फ्लूइड का प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसमें आता है आपका मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज। तो मैनोमीटर क्या होता है फ्रेंड? तो मैनोमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी फ्लूड का किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं बाय द बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ द फ्लूड, सेम कॉलम और अनदर कॉलम। यानी किसी फ्लूड के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कॉलम को बैलेंस करके या तो सेम कॉलम की सहायता से मेजरमेंट कर लेंगे या कई कॉलम की सहायता से उस फ्लूड का प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैनोमीटर भी आपको दो तरीके का होता है, एक सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। फ्रेंड, सिंपल मैनोमीटर एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसका एक एंड हम लोग उस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं जहाँ का हमको प्रेशर मेजरमेंट करना है, और एक पॉइंट सिंपली एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। और ये आपका गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर दोनों का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसके भी सिंपल मैनोमीटर का भी कई टाइप्स हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पीजोमीटर ट्यूब, यू ट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जैसा फ्रेंड हम लोगों ने बताया था कि सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, सिंपल ग्लास का ट्यूब होता है और उसका एक एंड वहाँ पे कनेक्ट करते हैं जहाँ का प्रेशर मेजरमेंट करना है, और एक एंड सिंपली एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। और टाइप्स ऑफ सिंपल मैनोमीटर यानी उसको भी हम लोग क्लासीफाई किए हुए हैं। और सिंपल मैनोमीटर भी तीन तरीके के होते हैं, पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग कैसा कैसा प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं हम लोग इसकी सहायता से। यहाँ फ्रेंड हम लोग डायग्राम की सहायता से डिफरेंट डिफरेंट सिंपल मैनोमीटर को हम लोग देख सकते हैं। नंबर वन जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ आपका पीजोमीटर ट्यूब। पीजोमीटर ट्यूब कुछ नहीं, एक सिंपल सा ग्लास का ट्यूब होता है जिस पे ग्रेजुएटेड स्केल रहता है, या इसके हाइट को मेजरमेंट करने के लिए अलग से स्केल यूज़ कर सकते हैं। इसका एक हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सर्कल आपको देख रहे हैं ये एक पाइपलाइन को दर्शा रहा है, और यहाँ पर एक इन इस पीजोमीटर का एक इन हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं जहाँ का प्रेशर मेजरमेंट हमको करना है, और एक इन सिंपल सा इसका एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। तो ये मेजरमेंट कैसे देता है, अगर इसमें हम लोग कोई भी, अगर इस पाइपलाइन में अगर फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा हो तो प्रेशर यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पर सिंपल सा प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही इसमें फ्लूड फ्लो करता है तो ये इसका हाइट तभी बढ़ेगा जब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो ये क्या करेगा, जब ये फ्लूड फ्लो करेगा तो यहाँ जो भी एयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको डिस्प्लेस करेगा एयर को, और यहाँ जो दबाव डालेगा तो इससे इसका हाइट राइज करेगा। और जितना ज़्यादा इस कॉलम में राइज हाइट रहेगा उतना ज़्यादा ही इस प्रेशर को बताएगा। तो नॉर्मली हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि पी इज इक्वल टू रो जी एच, यानी प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट का। यानी इस ट्यूब में जितना हाइट तक राइज करेगा लिक्विड उसका प्रेशर इस पाइप में उतना ही होगा। यानी इस फॉर्मूला से हम इस पाइप लाइन में जो ये फ्लूड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरा आता है आपका यू ट्यूब मैनोमीटर आपका एक ग्लास का ट्यूब ही होता है जो आपका गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर दोनों का मेजरमेंट करता है। पीजोमीटर ट्यूब केवल आपका गेज प्रेशर मेजरमेंट करता है। तो देख रहे हैं कि ये जो दो शेप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है
गेज प्रेशर मेजरमेंट करने का, और ये आपको बता रहा है वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने का। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर सिंपल सा एक फॉर्म देख रहे हैं कि यू शेप में रहता है, ग्लास का ट्यूब होता है, ये भी इसका एक इन आपका जहाँ का प्रेशर मेजरमेंट करना है वहाँ अटैच रहेगा और एक इन एटमॉस्फेयर में ओपन रहेगा। यूट्यूब मैनोमीटर में हम लोग देखते हैं कि दो अलग तरह का लिक्विड यूज़ करते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट रहता है, यानी जिसका मेजरमेंट करना है उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी और इस ट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंट रहेगा। जैसा कि यूट्यूब मैनोमीटर में हमने बताया कि इसमें हम लोग दो तरह के लिक्विड का यूज़ करते हैं, यानी जिसका प्रेशर मेजरमेंट करना है वो अलग लिक्विड रहेगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग रहेगा, और इस ट्यूब में यानी यू शेप जो ट्यूब है उसमें जो लिक्विड रहेगा उसका स्पेसिफिक अलग रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग रहेगा। इस अगर जो फ्लूड फ्लो कर रहा है इसमें हो सकता है कि जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इस ट्यूब से ज़्यादा रह सकता है या कम रह सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस रहना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग यूट्यूब जो मैनोमीटर रहता है उसमें हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं, यानी HG का, क्योंकि मरकरी क्या होता है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जितने भी फ्लूड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो मरकरी का होता है। वो कितना होता है HG का, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें उसका होता है आपका 13.6 HG का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। इसलिए हम लोग यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर हो या तो डिफरेंशियल मैनोमीटर हो, हम लोग मरकरी का ज़्यादातर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो तो ये आपका देख रहे हैं यूट्यूब मैनोमीटर, तो इसका मेजरमेंट हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पाइपलाइन है, यहाँ पर एक इन हम लोग पाइपलाइन से अटैच किए हैं, एक आपका एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। अगर इस पाइप में फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा है तो प्रेशर यहाँ पे ये जो कॉलम यहाँ राइज किया हुआ है H2 पे, ये दोनों क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर हम कॉलम लें, ये लेफ़्ट कॉलम ले लें, ये राइट कॉलम ले लें, नॉर्मली इसको हम लोग लिम या कॉलम बोलते हैं, ये लेफ़्ट और राइट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर हम ये लेफ़्ट ले रहे हैं तो ये राइट होगा, अगर ये अगर राइट ले रहे हैं तो ये मेरा लेफ़्ट होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दोनों अलग अलग ले लेना है। आपको अगर फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा है तो जो भी मरकरी रहेगा वो दोनों बैलेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही इस पर फ्लूड फ्लो करता है ये प्रेशर अप्लाई करेगा और दोनों जो कॉलम है वो अनबैलेंस हो जाएंगे। अब जब ये इक्विलिब्रियम हो जाएंगे यानी स्टेबल हो जाएंगे तो एक को हम लोग डेटम ले लेते हैं, यानी ये नीचे वाले पोर्शन को डेटम ले लेते हैं और दोनों लिम्ब के प्रेशर को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। जैसे कि इस में आपका ये फ्लूड फ्लो कर रहा था, यहाँ एक प्रेशर लग रहा है P, हाइट के कारण एक प्रेशर आपका हो गया रोजी H1, और इस लिम्ब में जो आपका प्रेशर हो रहा है वो रोजी H2, दोनों को अगर बैलेंस कर देंगे तो इसमें जो फ्लूड फ्लो कर रहा है उसका हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरा गेज प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि गेज प्रेशर क्या होता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो यहाँ प्रेशर जो फ्लूड फ्लो कर रहा है वह इसको राइज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग अगर प्रेशर मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले इक्वेट कर देंगे। तो कैसे इक्वेट करेंगे, मान लीजिए कि इसका प्रेशर बी पॉइंट पे आपका PV है, यह अगर हम इस डेटम लाइन से इस लिम में देख रहे हैं लेफ्ट लिम में, तो PV हो गया प्लस दो प्रेशर लग रहा है PV प्लस ये हाइट के कारण ये प्रेशर लग रहा है, यानी रो इसका अगर हम लोग ले रहे हैं 1G H1। रो वन इसलिए लिए क्योंकि इसका अलग तरह ये अलग लिक्विड है ये और ये अलग लिक्विड है। अब इसको इक्वेट कर दें किसके साथ, इस लिम के साथ, तो इसमें हो जाएगा रो 2G H2। अगर हम PV निकालना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं PV इज इक्वल टू रो 2G H2 माइनस रो 1G H1। इस तरीके से बैलेंस करके हम लोग प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर ये वैक्यूम
प्रेशर के केस में देखें तो अगर ये प्रेशर यहाँ लग रहा है और ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम है, तो ये इसका जो लिम रहेगा इसके अपर लिम से डाउन चला जाएगा, यानी हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है जो फ्लूड फ्लो कर रहा उसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी रिस्पेक्ट में देखें कि यहाँ का जो ऊपर ये राइज कर गई है हाई मरकरी का, ये H2 है और जो मेरा वाटर का यानी जो जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका H1 है। तो इस केस में ये आपका हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट लिम। तो इस केस में हम लोग देखेंगे PB प्लस रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी H2। और इधर का इस डेटम लाइन से इधर का कोई पेपर प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जीरो ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग पी भी निकाल लेंगे, माइनस रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी H2। तो इस तरह से हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ये यूट्यूब मैनोमीटर का इस तरह से बैलेंस करके हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो सिंपल मैनोमीटर में आता है वो होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है यूट्यूब मैनोमीटर का। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक रिजर्वायर का यूज़ करते हैं। रिजर्वायर का हम लोग एरिया इतना, रिजर्वायर जो भी लगाते हैं हम लोग उसका एरिया इस ट्यूब के एरिया से बहुत ज़्यादा होता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये जो प्रेशर यहाँ अप्लाई कर रहा है, तो जो भी प्रेशर यहाँ लगाएगा इस एरिया में इसके लिए तो ज़्यादा है, इस एरिया के लिए जो भी यहाँ प्रेशर लगाएगा इसके लिए कम है। लेकिन इस यहाँ पे जो ये लिक्विड का जो कॉलम यहाँ, ये जो आपका लिम है इसका एरिया बहुत कम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइज करेगा। यहाँ कम इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा राइज करेगा, ये कम करेगा, यानी स्मॉल डिफ्लेक्शन स्मॉल वेरिएशन भी प्रेशर का यहाँ होगा तो यहाँ पर ये शो करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिवल होता है एज कंपेरिजन आपका यूट्यूब मैनोमीटर से, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसमें अगर हम प्रेशर का मेजरमेंट करना है, यानी इस पॉइंट पर हमें प्रेशर का मेजरमेंट करना है, तो ये कैसे निकलेगा, PA इज इक्वल टू हो जाता है आपका H2 रो 2 जी माइनस H1 रो 1 और जी। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इस पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।